सैया सिपही आए सखी देवरू किसान हो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं भोजपुरी के सुपरहिट गायक नागेंद्र उजाला जी के साथ। और सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आपके चैनल देखने वाले जितने भी आदरणीय दर्शक हैं, भगवान रूपी दर्शक हैं, सभी को नागेंद्र उजाला की तरफ से सादर प्रणाम। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ही मैं आया भैया से मिला, एकदम साधारण व्यक्ति हैं और भाई आने पे दिल खुश हो गया। और जो इनकी जर्नी है, आज की इस वीडियो में हम जर्नी के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या दिक्कतें हुई। और दोस्तों मैं बता दूं कि पहले भोजपुरी के ऐसे गायक, मतलब एक कहा जाता है ना साफ सुथरा सिंगर, इनके में वो खूबी देखने को मिलती है। और तो सबसे पहले शुरुआत होने से पहले हमारे दर्शकों को एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं जी, आपका जो सुपर हिट जो गाना चल रहा है एको को दिल मंगवैया हजार, अभी आप लोग के आशीर्वाद से जी एक गो दिल मंगवैया हजार बा, ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ है, मार्केट में चल रहा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इस साफ सुथरे गीत पर जी, 2 महीने के अंदर जी 13 लाख रील वीडियो बने हैं। क्या बात है भैया, 13 लाख जी, जी। भोजपुरी का ये पहला गाना है जो इतने कम समय में जी, जी, जी। इतना जो है इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो जो है बने हैं। बाकी टिक्की पे अलग है, मौज पे अलग है। तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी क्रिएटर हैं जो रील बनाए हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम मैं कर रहा हूं अपने पूरे टीम के साथ। और साथ ही साथ धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया जी, जी। कि ये गाना जो है आज हर जगह बज रहा है, लोग रील्स बना रहे हैं। तो मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा, हम और शिल्पी राज जी इस गीत को गाए हैं जी, न्यू खोरठा वीडियो सीरीज से रिलीज है। राज भाई और खुशी राज जी ने एक्ट किया हुआ है। सबसे पहले मेरा लाइन रहता है कि हमके पीछे तू कब ले घूमैबू हो। डेली प्रोग्राम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गला भी लगा हुआ है, मैं सोया हुआ। कि हमके पीछे तू कब ले घूमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कब ले बनैबू हो। हमके पीछे तू कब ले घूमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कब ले बनैबू हो। इहे जाने खाती दिल में करार बा, अरे ए हो का हो, एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। एक गो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन भैया का गला है दोस्तों। और पूरा ये जो है ना, जिस लोकेशन पर भी हम लोग हैं पूरा गूंज गया है। तो भैया ये आपने, मुझे लग रहा है कि जो भी आप जो गाना देते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता है रस, जो गाने का रस है वो काफ़ी, ये कैसे आप लोग मतलब जो है कि चॉइस करते हैं? प्रयास रहता है कि गीत वही दिया जाए जिस गीत को सब लोग बजाएं, जी, जी, जी। मनोरंजन भी हो जी। और साथ साथ में बुरा ना लगे जी, जी, जी। ठीक है, समाज में बजे। हाँ, अच्छे तो हम तो शुरू से ही साफ सुथरे गीत गाते चले आ रहे हैं। पहला मेरा गाना सुपर डुपर हिट हुआ था, अंखिया फर 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 करता दिलवा धक धक धड़कता। अच्छा, सीडी के जमाने में सीडी और डीवीडी उस वक्त चला करता, जैसा कि हम देखा हूँ, मैं खुद देखा हूँ अपनी आंखों से। हालांकि हम लोग अभी छोटे थे और कहीं ना कहीं देवरिया और मुसहरी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप मतलब अपना जो स्ट्रगल जर्नी था वो काफ़ी, अपने जो कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आने तक और यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचने में काफ़ी आपका हार्ड वर्किंग जो कहा जाता है देखने को मिलता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, किसी भी लाइन में आप मेहनत करेंगे जी जी, लगातार तो आपका देर सवेर आपको उपलब्धि हासिल होगी जी। मुझे याद है जी, मैं किसान का बेटा हूँ जी, जी, जी। और मुझे याद है उन वह दिन जो है
मैंने मतलब बताऊं आपको कि मैं क्या क्या अभी बताया जाएगा ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं। हाँ। अक्सर लोग जो है आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद तमाम सारी कहानियां बना करके नहीं नहीं आप देखे होंगे कि मैं किसान का मेरे रिलेशन का स्टूडियो है वहाँ पे, खुद स्वयं भैया ने कहा था कि यहाँ पे नागेंद्र उजाला जी आकर के अपना खुद बैनर जो कहा जाए सेट किए थे। मैं शुरुआत किया था, पहले मैं गीत लिखता था। अच्छा अच्छा राइटर राइटिंग से अपनी शुरुआत किया जी जी। और मेरे तमाम गाने जो है तमाम आदरणीय लोग आए जी जी। हिंदुस्तान एक पेपर जो है जी, अभी भी है जी, उस वक्त भी था, तो उसमें मैं एक कॉलम आता था काँव काँव, उस काँव 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 जो भी न्यूज होते थे जी जी। उसके बारे में हम लोग कटाक्ष करते थे। अच्छा, अच्छा। तो वो मैं लिखा करता था हमेशा हिंदुस्तान में, उस वक्त छपा करता था। पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता नहीं एक तरह से उसको कहेंगे। उसके बाद दैनिक जागरण में अच्छा, नहले पे दहलाता था। अच्छा। तो उस वक्त मैं नहले पे दहला भी लिखता था जी जी। उसके बाद हमारी किताबें छपी नारायण बुक डिपो पटना से। अच्छा जी। दो किताबें राष्ट्रीय गीत की किताबें छपी। उसके बाद मैं कुछ फिल्मों के कथा पटकथा संवाद लिखा। अच्छा। हुआ यूं कि कहानी मेरी रही, संवाद हमारे रहे, मगर नाम हमारा जो है नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा बड़ी दुखित हुआ कि भाई इतना मेहनत किया, दो दो महीने चार चार महीने में मेहनत करके कहानी बनाया, डायलाग लिखा जो है जी जी। और हमारा नाम जो है फिल्म जब आया तो उसमें नहीं था जी जी। तो गाने का शौक तो मैं शुरू से रखता था, तो सोचा कि शायद लग रहा है कि मैं इसमें सफल ना हो पाऊँ। तो गाने का शौक शुरू से था, कुछ परेशानियाँ थी जिस वजह से हम गा नहीं पाते थे, क्योंकि उस वक्त जी। आपको 8 गाने लिखवाने पड़ते थे, 8 के म्यूजिक बनवाने पड़ते थे जी। गाने पड़ते थे, 8 के वीडियो बनते थे, तब जा करके एक एल्बम तैयार होता था। तो मेरी स्थिति सही नहीं थी, मेरे पिताजी किसानी करते थे, मेरे पास उस वक्त उतने रुपए नहीं, एक कैसेट करने के लिए उस वक्त 1-1.5 लाख रुपए की जरूरत होती थी। तो जब मैं कुछ कमाए थे, मैं उस कुछ लायक हुआ और हमारे मित्र जो है हमको सपोर्ट किए, तो एंगल म्यूजिक से जो हम एक कैसेट दिए, कैसेट दिए सीडी में वह रिलीज हुआ जी। कैसेट बना, उसके उस कैसेट को ले करके हम लोग हर बाजार में गए, कैसेट के दुकानों पे दिए, उसका पोस्टर अपने हाथों से चिपकाए, उसका बैनर पोल पे फ्रेमिंग करा करके लकड़ी में उसको पूरा बांधा गया, गोपालगंज सिवान छपरा आपका इधर मान लीजिए कि देवरिया कुशीनगर जो है बेतिया मोतिहारी, मैंने जहाँ तक संभव हो, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं, जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक मैं और हमारे टीम के लड़के जो भी थे, 5-7 लड़के उस वक्त भी थे, आज भी वो लड़के हैं, हम सभी भाई हैं, घूम घूम करके लगाए, तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया। फिर एंगल म्यूजिक से दूसरा कैसेट दिए, फिर तीसरा दिए, चौथा दिए, ऐसे करते 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 अंखिया फर करता गाना जो है ब्लास्ट कर गया। कब लॉन्च हुआ था ये सब? जो है अंखिया फर फरकता वो गाना जो है 2000 मुझे याद है 2014 में जो है। अच्छा, अच्छा, जो आया तो वो जब हिट किया, उसके बाद से आदरणीय कुमार रमेश जी हमसे पैसा लेना बंद कर दिए। अच्छा, अच्छा। ठीक है, वो इन्वेस्ट करते थे और फिर गाते 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 आज आपके सामने है एक गाना धमाल, और वो भी साफ सुथरा, एक बार गुनगुना दीजिएगा हमारा। जी बिल्कुल, हम और खुशबू तमजी उस गीत को गाए थे आदरणीय कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में, एंगल म्यूजिक से वो जो है गाना रिलीज हुआ था जी। पहले जो है खुशबू तमजी का लाइन रहता है उसमें अखिया फर 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 कता दिलवा धक धक धड़कता सजना सजना हमरा दिल में समा जा प्यार कर लमन तरसता। फिर मैं गाता हूँ जी जी। अखिया फर 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 कता दिलवा धक धक धड़कता सजनी
हे सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करे ला मन तरसता, अखिया फर 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 करता, दिलवा धक धक धड़कता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बताइए, इतना गाने में रस है। अगर उस समय थोड़ा स्मार्ट मोबाइल, मतलब उस समय तो छोटा वाला मोबाइल चलाता, नहीं तो इस वो गाना अगर डिजिटल पे रहता जी जी, तो डिजिटल पे बहुत जो है बिलियन में पहुंच गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट उस वक्त भी जो है उसका सीडी और डीवीडी बहुत बिका था मार्केट में, बहुत ज्यादा बिका। सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग का, जब तक लोगों के पास जो गाना है पहुंच नहीं पाता है, बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते हैं। ये था आपका 2014 में गाए थे। हाँ, 2014 में चला, 15 में भी चला, उसके बाद लगातार गाने आते गए, जो है हिट होते गए। और हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, अच्छा, सामाजिक मंचों पे भी हम दिखते हैं जी, जी। और हमेशा साफ सुथरे गीत के साथ कुछ ऐसे गाने भी हम देते हैं जी, जी। जो समाज को एक जो है संदेश दे, जैसे बेटी पर हम गीत गाते हैं, भ्रूण हत्या पे गाते हैं, दहेज पे गाते हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर गाते हैं, जो है मतदाता जागरूकता को लेकर के गाते हैं जी। और जब भी कोई समस्या आती है, जैसे अभी कोरोना जो है जी, तो कोरोना को लेकर के मैंने जो है लोगों को अवगत किया था। कोरोना की स्थिति भयावह होते गई तो भी मैंने एल्बम के माध्यम से संदेश दिया था। नुक्कड़ भी मैं अपने टीम के साथ, उजाला ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, सब हम लोग मिल करके मंचों के माध्यम से नुक्कड़ भी करते हैं, जो है सामाजिक जो है कार्य में बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग भी लेते हैं। तो बस अपना चलते रहता है। आप देखे होंगे ये तमाम सारे मेडल हैं जो इसमें बहुत सारे सामाजिक कार्य नुक्कड़ जो है आदरणीय अधिकारी पदाधिकारीगण द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित हुए हैं, ये सब आपके सामने लगाए, यही हमारी कमाई है कहीं ना कहीं। बहुत इन्होंने अपने जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, और जो है कि आप किस तरह से आप इस वक्त जो है कि 2023 में आने वाला है नया साल, किस तरह से आप हिट गाने देखिए, प्रयास है जो है, हाँ प्रयास है बढ़िया बढ़िया गीत देने का। अभी 2023 में हमारी 3 फिल्में भी रिलीज होंगी। अच्छा जी, बनकर के तैयार। एक तो फिल्म टी सीरीज से हमारी रिलीज हुई है आर्मी की जंग, अच्छा। और 3 फिल्में बनकर के तैयार है, महिमा महिमा छठी मैया के, वो एकदम जो है आप फिल्म देखेंगे, परिवारिक फिल्म है, माने भक्ति फिल्म है, भक्ति फिल्म। लगेगा कि हाँ भाई ये फिल्म जो है समय दे करके बनाया गया है जी, जी, जी। उसमें जो है आज 50-60 साल 70 साल पहले किस तरह का वेशभूषा था, किस तरह लोग का खान पान था, किस तरह सब कुछ उसमें दिखाया गया है। उसके बाद से एक रोमांटिक फिल्म आ रही है, तो राखिया एक काजल हमार जान ले गई, बन करके तैयार है, सब कुछ क्लियर है। उसके बाद से एक कॉमेडी फिल्म आ रही है मन लागे सनम ससुरारी में, 3 फिल्में बन करके तैयार है, एक फिल्म रिलीज हो चुकी है। कौन सा फिल्म है आर्मी, क्या बता? आर्मी की जंग, आर्मी की जंग, एक मतलब लॉन्च हो गया है जी हाँ, वो सिनेमा घर में भी कोरोना के पहले, अच्छा, वो सिनेमा घर में भी वो फिल्म लगी हुई थी। आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा आर्मी की जंग फिल्म। और जो है कि 2023 में बहुत जो है काम करना है जी, जी। लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार मिल रहा है लगातार आपका, तो जी हाँ काम करना है, बढ़िया बढ़िया गीत देना है, और सामाजिक गीत की भी तैयारी हो चुकी है। और एक गीत हम लेकर के आएंगे जिसमें हमारी बेटी खुद जो है एक्ट करेंगी। इसके पहले हम कोरोना काल में एक गीत दिए थे, कैसे चली घर परिवार विधाता, कैसे चली घर परिवार विधाता, उसमें हमारी बेटी जो है एक्ट किया, मैं बाप बना हूँ और मेरी बेटी जो है मेरी बेटी का करेक्टर किया। फिर मैं एल्बम लेकर के आ रहा हूँ बेटी, अच्छा बेटी, बेटी एल्बम लेकर के आ रहा हूँ जनवरी में, उसमें मेरी बेटी एक्ट करेंगी और मैं जो है पिता और मेरे हमारी बेटी जो है बेटी का करेक्टर करेंगी। बाकी रोमांटिक गाने, कॉमेडी गाने, हर तरह के गाने जो है आप सबके मनोरंजन के लिए भी जो है हम तत्पर हैं, लेकर के आते रहेंगे और शुरू से लेकर आते रहे हैं। और थोड़ा हमारे दर्शकों को गाना, भक्ति कोई गाना सुना अच्छा, हाँ हाँ आवन अलिख दी उड़निया, अच्छा चलिए वो भी सुना देते हैं, और जो है सामाजिक गीत भी आपको सुना देते हैं जी, जी, आवन अलिख दी उड़निया पे नाम जो है कुछ दिन पहले आया था, काफी आशीर्वाद प्यार मिला, चला था बड़े 6 मिलियन अच्छा। बड़े लेवल पे इसका वीडियो शूट किए थे राज भाई, हेलीकॉप्टर लगाए थे, गैंगटॉक जाकर शूट किए थे, कुल्लू मनाली जाकर के शूट किए थे, बड़ा बजट खर्च किए थे। मगर जो है थोड़ा सा गाना पता नहीं कहीं ना कहीं हम लोग में कमी रह गई होगी, जिस वजह से गाना थोड़ा सा जो है कम व्यूज लाया जिस तरह का हम लोग सोचे थे। खैर उसके बाद आप लोगों ने एक एक दिल मंगवाया हजार बाको एकदम रिकॉर्ड में ला दिया, तो होता रहता आगे पीछे थोड़ा बहुत, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए नहीं, कभी नहीं, हम लोग
वही ऑडियंस है ना जो 500 मिलियन व्यू देती है, 1000 मिलियन व्यू देती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ अश्लील गाने ही बजते हैं, ऐसा कैसे? मेरा किया फरकता जो है, आओ ना लिख दी उड़निया नाम, तमाम गाने जो है अच्छे गाने बजे, तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं। हाँ ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी रह गई होगी। आओ ना लिख दी उड़निया अपना, रटत रही हा सुबह शाम, अब ना लिख दी ओढ़निया अपना, रटत रही हा सुबह शाम, डलबू जब जब सीना पे, दिलवा के मिली आराम। फिर शिल्पी कहती हैं जी, अब ना लिख दी गमा छावा पेना, रटत रही हा सुबह शाम, अब ना लिख दी गम छवा पिना, रटत रही हा सुबह शाम, बाली बिंदिया वो ठिके लाली, तोहरे से बाटे ए जान, अब ना लिख दी ओढ़नी अपना, रटत रही हा सुबह शाम, अब ना लिख दी गम छवा अपना, रटत रही हा सुबह शाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। या और बताइए अपने बारे में और थोड़ा। बस अपने बारे में यही है, जीवन संघर्षों से भरा है, हर रोज कलाकार के लिए एक जो है नया दिन होता है। दिन होता है बिल्कुल, बहुत जैसे छोटे, और हिम्मत हारना नहीं चाहिए आदमी को, लगे रहना चाहिए जी। प्रयास करते रहना चाहिए, ईश्वर हैं, ईश्वर की कृपा आज नहीं तो कल आप पे होगी, वो भी देखते हैं कि आप कितना जो है मेहनत कर रहे हैं जी जी। तो हमने तो अपने जीवन में बहुत ऐसा दिन देखा है जो है, दिल्ली जाते समय, वहाँ रुकते समय क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी, कभी कभी आदमी जो है एक वक्त कम भी भोजन करता था जी जी। तो बहुत सारे संघर्ष है जीवन में जी। तो संघर्षों से जो है आदमी को हारना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, बस अपने लक्ष्य को लेकर के मेहनत करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल। आप जो है दृढ़ संकल्पित होकर के काम करेंगे तो आपको मंजिल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। मैं एक गाना और गुनगुनाऊंगा आपको जी, जी, एक सामाजिक गीत जी, जवान और किसान पर जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़की रहती है, जब उसकी शादी होती है जी, अपने ससुराल जाती है, और ससुराल से कुछ दिन बाद जब जो है तो अपने मायके आती है जी, तो उसकी सखियां उसे घेर लेती है। अच्छा। और उनसे पूछने लगती है कि ये सखी जौना घर में शादी भइल बा, तहार घर कैसन बा, तहार दूल्हा कैसन बाड़े, सास कैसन बाड़ी, ननद कैसन बाड़ी, जेठानी कैसन बाड़ी, जेठ कैसन बाने, तो वो अपना घर के बारे में जौन बा बताओ तारी। सामाजिक गीत हमेशा हम मंच पर गावे नहीं कह तारी। कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, अरे स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जेई में बसे परान हो, सैया सिपही आए सखी देवरू किसान हो, सैया सिपही आए सखी देवरू किसान हो, किसैया के माथे टोपी शोभे, देवरू के माथे पगरी हो, देखी के जियारा जुड़ाला हमरो, भर जाला मन सगरी हो, कि घरवा में हमके मिले बड़ी सम्मान हो, कि सैया सिपही आए सखी देवरू किसान हो, सैया सिपही आए सखी देवरू किसान हो। वो कह रही है कि मैं सुनी थी कि स्वर्ग होता है, मगर मैं जहाँ गई मेरी शादी हुई वह स्वर्ग में हुई है, हमारे जो है पति परमेश्वर जवान हैं और देवर जी किसान हैं। जी, और जैसे कि बहुत जो उभरते हुए कलाकार हैं उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे जैसे परिवार का सपोर्ट, मतलब सोचते हैं कि गाना मतलब मैं भी एक अच्छा सिंगर बनूं,
थोड़ा उनके बारे में। बिल्कुल, प्रयास होने चाहिए। हर आदमी को सोच करके कोई काम करता है। जी। जो लोग नए शुरुआत किए हैं, मैं शुभकामना दे रहा हूँ और मैं यही कहूँगा। अपने तरफ से थोड़ा बताइए, मोटिवेट दीजिए। मोटिवेट क्या कहने का मतलब है कि आप एक जड़ से जो कहा जो शुरुआत हो रही है, कोई भी जो है लोग शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी गाएं, तो एक तो सबसे पहले आत्मविश्वास आदमी को होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप पर कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ वह मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले आत्मविश्वास, उसके बाद उस जानकारी उस बारे में होनी चाहिए। अगर हम गाना गाने जा रहे हैं तो गायकी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम गाने जा रहे हैं तो हमें संगीत की भी तालीम लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद अगर आप एल्बम गाना चाहते हैं तो जब आपकी तैयारी कुछ हो जाती है, आप अच्छे तरीके से गाने लग रहे हैं, तो फिर आप जो है कहीं पे किसी से जो है संपर्क करके, आप किसी कंपनी से संपर्क करेंगे, जाएं वहाँ पर अपने गीत को आप सुनाएं। हो सकता है कि आपके गीत से वो प्रभावित, आपके स्वर से वो कंपनी प्रभावित हो और अपना इन्वेस्टमेंट करके आपका एल्बम जो है वो निकलवाए। अगर कंपनी अपना इन्वेस्ट नहीं करती है तो अगर आप चाहते हैं तो आप किसी संगीतकार महोदय जी से मिलें। सबसे पहले गीतकार महोदय जी से मिलें, बढ़िया गीत लिखवाएं, उसके बाद संगीतकार महोदय जी से मिलें, संगीत बनवाएं, उसके बाद उसको बढ़िया तरीके से अच्छे जगह जा करके रिकॉर्ड करें, फिर उस चीज़ को ले आकर के कंपनी को सुनाएं कि सर मैं गीत बनाया हूँ, इसको सुना जाए। कंपनी सुनेगी, अच्छा लगेगा तो कहेगी कि आप मुझे इस गीत को दे दीजिए, मैं वीडियो बनवा करके रिलीज करती हूँ, ऑडियो का आपको खर्च देती हूँ। क्योंकि कंपनियाँ जो है अच्छे गीत के तलाश में हैं, कंपनियों को अच्छे गीत जो है मिल जा रहे हैं, तो कंपनी खुद इन्वेस्ट करके अपना जो है लगाकर पैसा लगा करके अपना रिलीज कर रही है। तो धैर्य से ये नहीं कि हम आज ही काम किए, आज ही में जो है ये हो जाए, मैं सुपरस्टार बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। कुछ लोग हैं हिट के लिए असली गाना गाते हैं, हालांकि मुझे ये सब पे बात नहीं करना है, मतलब हिट के लिए नहीं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि साफ सुथरे गीत हर व्यक्ति को गाना चाहिए, हर व्यक्ति गाए। समय लगता है, आपकी चीज़ें जब पब्लिक तक पहुँचेंगी तो पब्लिक भी चाह रही है कि साफ सुथरे गीत जो हैं आए मार्केट में, जिसको सुना जाए। अभी के डेट में, अभी के डेट में 10 गाने अगर मार्केट में बज रहे हैं, अभी जो है दिसंबर हो गया, तो आप 10 गाने कहीं सुन रहे होंगे जिसमें आपको 80% साफ सुथरे गाने बजते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है नज़र आ रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। तो देखिए, साफ सुथरा एक माहौल बना हुआ है, साफ सुथरा गीत गाइए। साफ सुथरा गीत एक टिकाऊ गीत होता है जो काफी दिनों तक आप जो है उसको गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं, बजते भी हैं। तो साफ सुथरे गीत गाए जाएं और जो है कंपनियों से मिले जाएं। कंपनी से नहीं मिल पा रहे हो तो उनके तमाम सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप यूट्यूब के उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट में मिल जाएगा, उसे लेकर के आप फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ पहले नहीं भेज करके, ये नहीं कि आप कोई चीज़ बनाए भेज दिए कहीं लीक हो गया, तो आप आगे उसको जाँच लें, परख लें, मिल लें, मिल करके अपने ही मोबाइल से उनको सुना दें, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। और जो है धीरे धीरे करके सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है कोई भी काम होता है तो अचानक शुरुआत करके और तुरंत मंजिल नहीं मिल जाती है, उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी आदमी ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों भक्ति गाना थोड़ा पेश कर दीजिए जो आपने हिट दिया है। तमाम सारे गाने हैं जो है मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा। जी जी, का समय है। किने वतानी मिया के पतैया पर पेठावतानी, किने वतानी मिया के पतैया पर पेठावतानी, मैया हो ऐ हय गनैया बुलावतानी, मैया हो ऐ हय गनैया बुलावतानी, कि गैया के गुब्बारा से अंगना लिपाई, अड़हुल के फूलावा से
रहिया सजाई कि झूला झूले खाती पलाना बनवावो तानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावो तानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावो तानी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। काफ़ी कहा जाता है जो गाने में रस, दोस्तों वास्तव में भैया का आवाज़ काफ़ी लुभोदित कर रहा है और कहीं ना कहीं इनके गाने से ही काफ़ी लोग, मतलब एक होता है कि भैया का कब गाना आ रहा है, मतलब लोग इंतज़ार करते रहते हैं। और ये थे नागेंद्र उजाला जी, और इनसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा है। और भैया आप जो स्टेज प्रोग्राम जो कराना चाहते हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? बहुत मेरा नंबर है और जो है मेरे भाई हैं जी जी वो उठाते हैं जी जी, तो 85 21 55 71 71 जी ये जो है कांटेक्ट नंबर है जी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे, मेरे भाई साहब जो है उठाते हैं फ़ोन, आप उनसे बात कर सकते हैं और मुझे आप सेवा का अवसर दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको भी बहुत। और नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे भैया से। और दिलचस्पी इंसान है एकदम, जो कहा जाता है एकदम महसूस नहीं हुआ था जैसे हम लोग सोचे थे। बहुत लोगों से हम लोग मिलने जाते हैं भैया, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का मतलब कुछ होता है ना थोड़ा सा व्यवहार, तो वहाँ पर नर्वस होना पड़ता है, लेकिन आपसे मिल करके बहुत ही खुशी हुई। और कहीं ना कहीं ऐसे होना भी चाहिए इंसान, जब तक आप किसी को टाइम नहीं देंगे। हालांकि अभी थोड़ा सा आप किसी चीज़ में बिजी थे, लेकिन हम लोग जानते थे कि भैया रात भर स्टेज प्रोग्राम किए हैं, थोड़ा सोए नहीं हैं, बाकी थोड़ा सा बस यही था और कोई बात नहीं था, फिर फ्रेश होकर के आए। और धन्यवाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को साथ। नमस्कार दोस्तों।